हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखने वाले हैं हम लोग टिफिन के लिए आलू मटर की सब्जी, सिंपल सी मेरे स्टाइल में। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। तो देखते हैं हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं आज। आलू, ये मैंने मटर लिया है, मटर को छील लिया है और छील के पानी में भिगो दिया है। इसके बाद मैंने लिए है 2 टमाटो स्लाइस, थिन स्लाइस, और 2 प्याज को थिन स्लाइस, ऑनियन को थिन स्लाइस कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट ली है। ये आलू है, 3 आलू है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी ड्रेन आउट कर लिया है। ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये मसाला मैजिक है, और ये नमक है 1 चम्मच। तो हम लोग प्रोसेस आगे करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को हाई फ्लेम पे रखेंगे और 2 टेबल स्पून हम लोग इसके ऑयल ऐड कर लेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं गिरती है, तो 2 टेबलस्पून काफ़ी हो जाता है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, हाई फ्लेम पे हम लोग बनाने वाले हैं। मेरा ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल गरम होने के बाद अच्छे से हम लोग इसके अंदर हमारी जो थिन प्याज है, थिन स्लाइस प्याज, थिन ऑनियन जो स्लाइस करके रखी थी, वो पूरी ऑनियन हम लोग इसमें अच्छे से डाल लेंगे। मैंने एकदम थिन कट किया है, आप क्यूज में भी कट कर सकते हैं। तो थिन प्याज हम लोग जब काट देते हैं तो फ्राई करने में इजी गिरता है, तो इसलिए मैंने इसे थिन यानी पतला पतला कट कर लिया है, पतले स्लाइसेस किए हैं। क्यूब्स में नहीं कट किया है, चॉप नहीं किया है, मैंने इसे थिन स्लाइस किया है। और इसे हमें गर्म ऑयल में अच्छे से भून लेना है। हमें ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना, बस हमें इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है, पिंकिश होने तक पकाना है। देखिए मैंने ब्राउन नहीं किया है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे हम लोग, बस इसे हमें थोड़ा सा पका लेना है, गला देना है अच्छे से, इतना ही हमें इसे भून लेना है। और इसे बस ऐसे ही हिलाते हुए हम लोग अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए और हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसी स्टेज पे अभी हम लोग ऐड करेंगे जो 1/2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन बताया था, वो 1/2 टेबलस्पून ही डालिएगा, क्योंकि तरकारी में अदरक लहसुन ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 1/2 टेबलस्पून डाला है ताकि अदरक लहसुन की थोड़ी सी टेस्ट भी मिले और ज़्यादा भी ना हो, तो ओवर पावर नहीं होनी चाहिए हमारी सब्ज़ी में, इसलिए मैंने 1/2 टेबलस्पून डाला है। इसे भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे, इसे भी इसकी जो कच्ची स्मेल है जाने तक हम अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ और गर्म ऑयल में। देखिए हमारी प्याज भी पक चुकी है और अदरक लहसुन भी पक चुका है। इस स्टेज में हम लोग ने जो टोमेटो स्लाइस करके रखे थे, थिन स्लाइस, बस अब उस टोमेटो को हमें ऐड करना है और टोमेटो को भी ऐसे ही हिलाते हुए पका लेना है। इतना पकाना है कि हमारे टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए, पक जाए, इतना हमें इसे सॉफ्ट पकाना है। तो बस ऐसे ही भूनिएगा, अच्छे से भून के इसे देखिए टमाटो को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसको अच्छे से पका लेंगे। टमाटो भी अच्छे से पक जाए, बस इतना ही इसे पकाना है, सॉफ्ट कर लेना है। हमारे टमाटो एक बार पक जाए अच्छे से, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैंने हिलाते हुए टमाटो को अच्छे से पका लिया है। टमाटो, प्याज, अदरक लहसुन, इसकी कच्ची स्मेल अच्छे से अच्छे से फैला देना है, इसलिए भून लेना है अच्छे से। तो प्याज और अदरक लहसुन हमारी अच्छे से पक चुका है। बस इसी स्टेज पे मैंने जो सूखे मसाले आपको सब बताए थे मैंने उसमें डाल दिए हैं और ऑयल में ऐसे ही भूनेंगे इसे। बस अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। बस इसे ऊपर नीचे हिलाते हुए अच्छे से भून लेना है। मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें इसमें मटर और आलू भी ऐड करना है। तो बस थोड़ा सा पानी डालिए और जितना कि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और ये जले नहीं नीचे से, क्योंकि हमने ऑयल कम डाला है इसलिए। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हमने हमारे मटर डालने हैं, कच्चे मटर लिए हमने, फ्रेश मटर है, ग्रीन पीस हमारे इस मसाले में अच्छे से भून लेंगे। एक बार मटर अच्छे से भून जाए इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारे आलू।
आलू भी कच्चे हैं तो आलू को भी हमें इसी मटर में अच्छे से भून लेना है। एक बार मसाले में आलू और मटर पक सिक जाए, अच्छे से भूनेंगे हम लोग इसे ऊपर नीचे करके। जब ये पक अच्छे से भूनने जाए तो हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि ये इसमें पक जाए, आलू भी और मटर भी दोनों भी हमारे पानी में पक जाए, इतना पानी ऐड कीजिएगा। और लो मीडियम फ्लेम पे इसे ढक्कन ढककर 15 टू 20 मिनट्स ऐसे ही रखिए। तो ये हमारा जो आलू मटर का सालन है वो पक जाएगा। देखिए मेरा आलू मटर पक चुका है, अच्छे से भून लीजिए। देख लीजिए इसका पानी भी पूरा सूख गया है और मैंने इसके बाद इसे डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करने के बाद ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनी थी, टिफिन के लिए दे सकते हैं आप। बहुत इजी रेसिपी है। प्लीज़ मेरे रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक बटन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।